मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर लाए जा रहे शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे की एक एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। भागने की कोशिश में उसे पुलिस की गोलियां लगी। एनकाउंटर से पहले उस गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें विकास को लाया जा रहा था। इस बारे में एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार पी ने बताया कि कैसे कुछ गाड़ियों से पीछा छुड़ाने के लिए पुलिस को स्पीड में गाड़ी दौड़ानी पड़ी और ये एक्सीडेंट हुआ। इस दौरान यूपी एसटीएफ भी साथ थी। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि विकास दुबे को ला रहे काफिले के पीछे कुछ गाड़ियां लगी हुई थी। ये लगातार पुलिस के काफिले को फॉलो कर रही थी जिसकी वजह से गाड़ी तेज भगाने की कोशिश की गई। बारिश तेज थी इसलिए गाड़ी पलट गई। एसएसपी के मुताबिक इस मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे भागने की कोशिश में था। हमारे एसटीएफ जवान इस गाड़ी को पीछे से फॉलो कर रहे थे। उन्होंने कॉम्बिंग की, फायरिंग हुई और सेल्फ डिफेंस में विकास दुबे पर गोली चलाई गई जिसमें वह मारा गया। एसएसपी ने बताया कि एनकाउंटर कोई चीज नहीं होती, हम न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। विकास के जो भी गुर्गे हैं सबको गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जब यूपी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी को मध्य प्रदेश से लेकर चली तभी से मीडिया की गाड़ियां उसे फॉलो कर रही थी। कानपुर तक भी मीडिया की गाड़ियां पीछे थी लेकिन एक जगह पर करीब 1 किलोमीटर पहले तक मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया और चेकिंग की जा रही थी। इसके तुरंत बाद एसटीएफ के काफिले में शामिल गाड़ी के पलटने की खबर आई। नेशन वन के लिए कानपुर से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।